हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्वी एंड तन्मय। तो आज हम लोग जा रहे हैं ओरमांझी जू, जिसे बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क भी बोला जाता है। और ये जो आप रोड देख रही है, NH-33 है। जब भी रांची से ओरमांझी जू जाते हैं तो आप NH-33 से जाते हैं। और ये रोड जो है वो काफ़ी स्मूथ है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं आज यहाँ पर कितनी भीड़ होती है ओरमांझी जू में। और ये राइट साइड में जो है ये हमारा जू पड़ता है। ये देखिए, आपको दिख रही होगी इसकी बाउंड्रीज। और ये आप जो पेड़ जैसा इलाका देख रहे हैं, ये है ओरमांझी जू का इलाका। यहाँ से आप अगर वॉकिंग करके आते तो आप इसे देखते हैं। और ये देख सकते हैं कितनी भीड़ है लोगों की यहाँ पे। और ये गेट तो हमें बंद दिख रहा है। चलिए पता करते हैं कि इसकी टाइमिंग क्या है खुलने की, क्योंकि गूगल में तो ये ओपन दिखा रहा है, बट यहाँ पर फिर ये क्लोज़ क्यों है। तो गाइज़ देखिए, हम लोग पहुँच चुके हैं बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क, लेकिन ये तो बंद है। ये देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है। और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं झारखंड के, इन्हें कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि गूगल ने उसे ओपन दिखाया, बट यहाँ पे जो इनके कर्मचारी इनके अंदर, वो बोल रहे हैं कि ये अभी खुला नहीं है, लॉकडाउन की वजह से ये अभी तक बंद है। और ये देख सकते कितने लोगों को भी परेशानी हुई है। और ये लोग जाके ऑफिस में बात कर रहे हैं कि खोलिए, हम इतने दूर से आए हैं, हमें देखना है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम नहीं खोल सकते, ऑर्डर नहीं है। तो गाइस, आप लोग भी गूगल को देखकर यहाँ ना आए, क्योंकि आप भी मेरी तरह घूमेंगे ऐसे कि हमने ऐसे प्लान किया था। और तन्मय भी कितना खुश था कि हम जू देखेंगे, बट यहाँ पे देख सकते कितने लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे रोज़ 200-300 लोग आ रहे हैं गूगल की वजह से। और ये बहुत दिनों से गूगल जो है वो ओपन दिखा रहा है जू, इन्हें भी काफ़ी परेशानी हुई। और अब मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी कि ये ओपन दिखा रहा है। ये देखिए, गूगल यहाँ पर ओपन दिखा है, जो ग्रीन कलर का ओपन लिखा हुआ है, भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क। देखिए ओपन दिखा रहा है, कई दिनों से ओपन दिखा रहा है, लेकिन वहाँ के कर्मचारी बोलते हैं अभी तक तो ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं मिला है। गाइस, गूगल हमेशा सही नहीं होता है।